देखो, चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अपने को शक्तिशाली या तो समझते हैं या तो नहीं समझते हैं, तो आप बनाएंगे। जैसे आप आईएएस बनने की चैलेंज को एक्सेप्ट करें, डिप्टी कलेक्टर बनने के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, माना आप में वो ताकत नहीं है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप अपने को एजुकेट करके, अपने को इवेलुएट करके, अपने को प्रेजेंट करके, अपने को कॉम्पिटिटर बना के उस चैलेंज को कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। लेकिन आपने थोथा चैलेंज तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, वो आपके एक्टिविटी में पता चल जाएगा। जहाँ कास्टिज्म हो, जहाँ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग दिख रही हों, जहाँ सोसाइटी बिखरी हुई हो, जहाँ जाति विशेष का प्रभुत्व हो और देश की आज़ादी की लड़ाई भी उसी के बीच हो, तो चैलेंज एक नहीं थे, अनेक थे, और अनेक चैलेंजों से जूझने के लिए अनेक तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग उसी अनेक चैलेंजेस को स्वीकार करने वाले, भले ही एक थे लेकिन अनेक चैलेंजेस को स्वीकार किया, और जो जहां कमजोर थे उसके लिए तैयार भी किया, जहां समझौता करना था वहां समझौता भी किया, जहां जो एक्सेप्ट करना था जैसी परिस्थितियां थी वो किए। विद्वान आदमी थे, समझदार आदमी थे। और आपको क्या लगता है कि अगर समाज और दुनिया अपनी धारा के साथ हो और हम धारा के विरुद्ध हों, तो ये तो तब हो सकता है कि जब धारा के विरुद्ध हमारी मंजिल हो, लेकिन धारा के ही साथ हमारी मंजिल हो तब तो धारा के विरुद्ध चलना बुद्धिमानी नहीं है। अगर जात पात में बटे समाज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मदद नहीं कर रहा है और हम जात पात को ही प्रमुखता दे रहे हैं, तो मंजिल हमारी आजादी है, ना कि जात पात में बटे रहना, तो हम धारा के विरुद्ध हो जाएंगे। तो अम्बेडकर ने जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, ऊंच नीच को, आर्थिक ऊंच नीच को, धार्मिक ऊंच नीच, जो भी उन्होंने उस दौर के हिसाब से समझा, उसमें लगा कि भाई दोहरा बर्ताव क्यों, अलग थलग बर्ताव क्यों। हमने पहले भी लेक्चर में कहा है कि आज़ादी गिन गिन के लोगों को नहीं दी गई थी। जब यहाँ से अंग्रेज गया तो सब लोग आज़ाद हुए थे। उसमें किसी भी विचार का व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रवादी रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट रहा हो, समाजवादी रहा हो, जात पात मानने वाला हो, जात पात का विरोधी रहा हो, सबको आज़ादी मिली। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई के दौर में व्यवस्था लेकर के दूसरे लोग हथियार उठाए थे कि साहब ये भी चलता रहे, और वो जबकि रुकावट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें फ़ायदा ही दे रहा था। और फ़ायदा नहीं दिया होता तो आप नीति निर्देशक तत्व को पढ़िए, आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए, आप सोशलिज्म को पढ़िए, आप अपने नैसर्गिक सिद्धांतों को पढ़िए, आप रेमिडीज़ को पढ़िए, आप जो आपको राइट मिला है, जो आपको एक प्रकार से खुल के जीने का जो अधिकार मिला है, वो सभी क्या हम ला पाते हैं?